गुलबर्गा में खवातीन का जबरदस्त एहतजाज। जनूबी कर्नाटका के अजला उड़पी और चकमगलूर के अलावा दीगर मुकामात पर सरकारी और खानगी कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के खिलाफ आज गुलबर्गा के रूबरू मौजूद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर रुकन असम्बली गुलबर्गा कनीस फातिमा की क़ियादत में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़िम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों, कांग्रेसी कायदीन, बुरख़ापोश खवातीन और नौजवानों की कसीर तदाद ने हिस्सा लेते हुए एहतजाज मुनज़िम किया और जुनूबी कर्नाटका के अजला में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के खिलाफ जारी मुहिम को शरपसंदाना हरकत बताते हुए कहा कि इसके ज़रिए मुस्लिम तालिबात को स्कूलों और कॉलेजों को आने से रोका जा रहा है और ये एक साजिश है के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली गुलबर्गा कनीज फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात और स्कूलों और कॉलेजों में जारी मुखालिफ हिजाब मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो बहसियत रुकन असम्बली गुज़िश्ता 3.5 साल से हिजाब पहनकर ही रियासत असम्बली में दाखिल होती है। इस मौके पर रुकन असम्बली गुलबर्गा कनीज फातिमा ने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो उन्हें हिजाब के साथ रियासती असम्बली में दाखिल होने से रोक कर दिखाएं। इन्होंने कहा कि आप ज़ाफ़रान कलर पहने या काला कलर इस्तेमाल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो हिजाब या बुरका पहनने का हक है, इसे रोकने का आपको इख्तियार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एच न्यूज़। बिकंडापुर में भी जो बच्चों को रोका गया है, गेट बंद कर दिया, उन लोगों के मुंह पे गेट बंद करे हैं। 23 बच्चे हैं जो बुरखा पहन के आए थे, उन लोग अंदर आने नहीं दिए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी असेंबली में बैठती हूँ, हिजाब पहन के बैठती हूँ। अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे को रोक के दिखाए, मेरे को रोक के दिखाए। कई लोग हैं जो हमारा कल्चर है, ये किसी को कोई हक नहीं पहुंचता इसको आप रोकने का। बराबर हम बुरखा पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, हम इसके लिए जितनी हो सके जहाँ तक जाना है हम दिल से ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम उन लोग को इंसाफ दिलाएंगे जो जो भी बुरखा पहनना चाह रहे हैं। इन लोग को रोक नहीं सकते आप, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सबका अपना अपना हक है हर मत उसको पहन, जो भी हम पहनना चाहते हैं हम पहन सकते हैं। और आज तक ये चीज नहीं हुई, ये नया बीजेपी आने के बाद से ये नए नए सब शुरू हो रहे हैं। हम इसको इंशाल्लाह होने नहीं देंगे, आगे तक फाइट करेंगे। हम लोग सीएम के पास जाएंगे, हम लोग होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम लड़ाई लड़के हैं, ये लड़ाई हम जीतेंगे। जो बीजेपी जब आने के बाद येडियुरप्पा के गवर्नमेंट में भी नहीं था, ये अब ये नया नया शुरू करे हैं ये जो गवर्नमेंट, तो हम लोग इसके खिलाफ है पूरे, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं आप हर जगह राइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज नहीं चलेगी। क्योंकि हम सब लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब जमा है, कितने सारे लोग जमा है यहाँ पे, खाली मुस्लिम से ही है बुरखे वाले, हर कास्ट के लोग यहाँ जमा है, हमारे साथ है सब लोग, हम सब लड़े आगे तक लड़े। हमारे एच एन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।